हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह की चाय, कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, पूरा दिन बिज़ी रहता है हम लेडीज़ का। लेकिन दिन और भी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है जब उसमें शॉपिंग इंक्लूड हो जाती है या उसी दिन आपको कोई फंक्शन भी अटेंड करना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा ही एक दिन जिसमें आप कह सकते हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। सो कुकिंग पार्ट मैंने अपना डन कर दिया है। अब मैं आई हूँ उदय का रूम क्लीन करने के लिए। उसका रूम बहुत मैसी नहीं होता है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस डस्टिंग करनी होती है। और फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैंने मेड रख ली है, ये बहुत वीडियोज़ में पहले भी बता चुकी हूँ। सो बस उसका रूम क्लीन करूँगी और उसका वॉशरूम क्लीन करूँगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हर बच्चे में एक डिफरेंट चेंज आता है जो कि टीन एज शुरू होते ही आपको दिखने लगता है। उदय पहले कभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जितना कि अब है, और इस तरह के चेंजेस हम मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके रूम को क्लीन करने के लिए मुझे बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि उसने चीज़ें यहाँ वहाँ फैला नहीं रखी होती, हर चीज़ उसकी जगह पे ही होती है। कोई और भी उसके रूम को आके मैसी करे वो भी उसे पसंद नहीं। आजकल उसकी फाउंडर्स डे की प्रिपरेशंस चल रही हैं और इस बार वो भांगड़ा में, पंजाबी भांगड़ा में पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वो भांगड़ा में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। ये है उसकी ड्रेस जो वो पहनेगा, वाइट कुर्ता है और साथ में ये जो लुंगी होती है भांगड़ा में पहनते हैं, और साथ ही जैकेट। आई होप कि वो अच्छा दिखेगा इसको पहन के। अपना रूम लॉक करके वो रिहर्सल्स करता था, हमें कभी नहीं दिखाया। हम जाके बस सीधा फाइनल्स ही देखेंगे। पूरा दिन उसकी रिहर्सल्स चलती हैं तो डिमांड होती है दो टिफ़न्स लेके जाने की, और वो भी टेस्टी स्नैक्स की। तो बनाए थे आज फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हो तो इनका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, लेकिन सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो सिंपली इनको बस कट कर लेती हूँ और उसके बाद इसको फ्राई कर लेती हूँ। दो बार फ्राई करती हूँ, जैसे एक बार निकाल दिया इनको, उसके 5 मिनट के बाद इसको दोबारा से फ्राई करूँगी। दूसरा टिफ़िन बना रही हूँ वेजिटेबल पास्ता। पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आएगा कि आपने इसकी रेसिपी क्यों शेयर नहीं की। तो एक पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और साथ ही पहले डाला है गार्लिक कटा हुआ, उसके बाद वेजिटेबल्स डाल दी हैं अपनी मर्ज़ी की। गाजर ली मैंने, शिमला मिर्च और साथ में बीन्स डाली थी। थोड़ा सा उसको सॉटे करने के बाद उनको निकाल दिया, फिर पैन में फिर से ऑयल डाला, थोड़ा सा मैदा डाला, लाइक 2 चम्मच मैंने मैदा डाला है, और उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क और एग बीटर की हेल्प से कंटिन्यूसली को हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बन जाएं। साथ ही फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो रहे हैं जिनको दो बार फ्राई कर दिया है, उनमें सॉल्ट और चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। पास्ता के लिए व्हाइट सॉस जब थिक होने लगे तो डाल देंगे इसमें वेजिटेबल्स जो हमने पहले से सॉटे करके रखी हैं, और साथ ही डाल देंगे इसमें पास्ता। आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें डाल दें सॉल्ट और साथ ही डाल दें ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, अगर चिकन पास्ता खाना चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। पास्ता हमारे ब्रेकफास्ट के भी काम आ जाएगा। थोड़े से ऑलिव भी डाल दिए हैं मैंने। दोनों टिफिन हमारे रेडी हो गए हैं। हमेशा की तरह उदय का वेलकम करने के लिए ब्रूनो बाहर ही खड़ा होता है, और जब तक बस नहीं आ जाती दोनों एक दूसरे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। कितना प्यार ले रहा है, प्यार ले रहा है सुबह सुबह। चलो के बाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने साथ ही लंच भी बना दिया था। लंच में बनाया था मैंने आज मटर पनीर, तो उसके लिए फ्रोजन मटर जो मैंने पहले से छील के फ्रीज किए होते हैं उनको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम दिलानी है। जस्ट आपने इसको विसल नहीं दिलानी है, स्टीम दिलानी है, क्योंकि ये फ्रोजन मटर होते हैं तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो जस्ट एक प्रेशर आ जाए तो बस गैस बंद कर दें। तड़का लगाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, साथ ही डाली है दालचीनी, 4 से 5 डाल दी है छोटी इलायची, कुछ काजू डाले हैं, हल्का से इनको रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, 5 से 7 मिनट तक इनको अच्छे से पकाएंगे। मटर भी पक चुके हैं तो इनको स्ट्रेन कर लेंगे, पानी इसका यूज करेंगे हम बाद में ग्रेवी के लिए। उधर डाल देंगे प्याज में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ ही बारीक कटे हुए टोमेटोज डाल देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि टोमेटोज गल नहीं जाते। साथ ही इसमें डाल देंगे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसका फ्लेवर इन्हांस करते हैं। तो ये टमाटोज हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसको ग्राइंड कर लेंगे हम। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे।
पेस्ट रेडी हो गया तो डाल देंगे इसमें मटर और साथ ही डाल देंगे पनीर। पानी डालेंगे हम, वही पानी डालेंगे जिसमें हमने मटर को बॉईल किया था, और साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच मलाई या फिर क्रीम, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और साथ ही डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। तो जितना सुंदर ये मटर पनीर दिख रहा है उतना ही टेस्टी भी है, बिल्कुल जैसा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, क्योंकि ग्रीन इलायची जो है वो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कुकिंग का पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही मैं क्लीनिंग के लिए आई थी, बस यही वाला रूम क्लीन करूंगी, इसके अलावा मैंने और कोई क्लीनिंग आज नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं आज करने के लिए। शावर लेने के बाद सब लोग अपना बाथरूम ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से बाथरूम ज़्यादा डर्टी भी नहीं होता है। तो हर 3 दिन के बाद मैं एक वॉशरूम साफ़ करती हूँ, जैसा कि आज मैंने उदय का रूम और साथ में वॉशरूम क्लीन किया, तो कल मेरे रूम और वॉशरूम की टर्न है। इसी तरह से 1 by 1 एवरी रूम और वॉशरूम को मैं क्लीन करती हूँ। सब काम ख़त्म करने के बाद बारी आती है स्टफ़ी से मिलने की। मेरे रूम में ही होता है या सो रहा होता है या बैठा है, लेकिन इसको नीचे नहीं निकालती हूँ मैं सुबह के टाइम पर, क्योंकि लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, कभी दूध वाला आ रहा है कभी मेड आ रही है, तो गेट खुलता है तो गेट से बाहर निकल जाता है, तो फिर इसे वापस लेके आना मुश्किल होता है। रूम का पीछे वाला डोर मैं इस तरह से खुला रखती हूँ, नीचे स्टॉपर लगा देती हूँ ताकि अगर इसको बाहर जाना है तो वो बाहर भी चला जाता है, मर्जी है उसकी। आजकल विंटर्स हैं, धूप में बैठने का भी मन करता है, तो यहाँ पे भी कपड़ा बिछा रखा है, थोड़ी देर बाहर बैठ जाता है, कई बार ज़्यादा गर्मी लगती है तो फिर वापस अंदर चला जाता है अपने बेड पे, या छत पे जाना चाहे तो छत पे भी जा सकता है। आज शॉपिंग का भी कुछ प्लान था, तो शावर लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद रेडी होना शुरू हो गई। उदय के आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज शॉपिंग करने के लिए उदय मेरे साथ जाएगा। एवरी सीज़न बच्चों की यूनिफॉर्म छोटी हो जाती है, तो बस वही उसका हुआ है, तो आज वो लेने जाना है मुझे। काफ़ी टाइम से मैं टाल रही थी, लेकिन आज फाइनली वो काम हम कर लेंगे। साथ ही कुछ और भी मुझे काम है 1-2, तो वो भी मैं करती हुई आऊँगी। बाय स्टफ। मिस्टर बादल, शॉपिंग के बाद जल्दी से घर पहुंचना है, रेडी भी होना है। आज शाम को हम एक वेडिंग भी अटेंड करनी है, तो कुछ शॉपिंग उदय के साथ करूंगी, उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे अपना काम ख़त्म करके, तो थोड़ी सी शॉपिंग उनके साथ करनी है। विंटर सीज़न शुरू होने के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट आई हूँ, काफ़ी स्टफ़ आया हुआ है लेडीज़ का भी जेंट्स का भी, तो उदय कुछ ट्राई कर रहा है अपने लिए। जब भी हम मार्केट आते हैं तो हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत सारी नई चीज़ें हर रोज़ मार्केट में आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सब कुछ बाय करना है, सिर्फ एक लिस्ट बनाएं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही बाय करें। मन तो बहुत होता है सब कुछ लेने का, लेकिन बिना जरूरत के ली गई चीजों से घर भरता है और साथ ही पैसे की बर्बादी भी होती है। उसके बाद हमने ऑटो लिया और चल पड़े हम अपना दूसरा काम खत्म करने। ये एक पेट शॉप है, तो स्टफ़ी का कुछ सामान है जो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ। डॉग से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाती है, मेडिसिंस को छोड़ के। दो काम हो चुके हैं, तीसरा काम है उदय के लिए यूनिफॉर्म बाय करना। तो अब हम आ गए हैं स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप पे, तो बस यहाँ पे उदय अपनी यूनिफॉर्म बाय करेगा, उसके बाद हम चलेंगे ग्रॉसरी शॉप पे। अपना काम ख़त्म करके हस्बैंड भी टाइमली ग्रॉसरी शॉप पे पहुंच गए थे। वैसे तो ये सारा सामान हम CST कैंटीन से ही लेते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार जा नहीं पाए, तो कुछ सामान जो कम पड़ रहा था वो मैं यहीं से ले लूँगी, और बाकी की शॉपिंग फिर हम नेक्स्ट मंथ ही करेंगे।
ऐसा लग रहा है कि ना आज दिन खत्म हो रहा है ना आज काम खत्म हो रहे हैं। 3 से 4 घंटे हम बाहर थे और फटाफट आके हम रेडी हुए हैं। अब हम जाएंगे शादी अटेंड करने। सर चलें? हाँ चलते हैं। कम ऑन जेंटलमैन, वी आर गेटिंग लेट। हम जा रहे हैं एक वेडिंग अटेंड करने। बिल्कुल हमारे नेबर हैं जो बिल्कुल सामने रहते हैं, उनके बेटे की शादी है आज, तो अभी हम जाएंगे। और जैस्मिन नहीं जा रही है, जैस्मिन के एग्जाम चल रहे हैं एंड शी इज एग्जाम गर्ल नाउ। बड़े लोग बड़ी बातें। बाय जैस्मिन। तब आपने आप कहाँ जा रहे हैं? Yeah.
चलो 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 चलो।